शरीर की थकान कब बीमारी का रूप ले लेती है पता भी नहीं चलता। हालांकि शारीरिक बीमारी तो आपको नजर आती है, पर मानसिक बीमारी या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पीड़ित को भी पता नहीं चलता कि वह किसी बीमारी से जूझ रहा होता है। इस विषय पर हमें और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्मिता एन देशपांडे। तो डॉक्टर स्मिता, आपका स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार। तो डॉक्टर, ऐसा जो एक रिपोर्ट हाल फिलहाल में आई, उसमें ये था कि भारत जो है वो डिप्रेस्ड देशों की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है। सबसे ज्यादा हर 7 में से एक व्यक्ति यहाँ पर डिप्रेस्ड है। सो वो डिप्रेशन किस तरह का हो सकता है और क्यों ऐसा है, क्या आप वजह देखती हैं इसके पीछे? ये जो आप डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये एक सर्वे हुआ था, काफी साल पहले हुआ था। उसके बाद में एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे भी हुआ है जो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव था, और उसमें ये नहीं पाया गया कि भारत बहुत ज्यादा डिप्रेस देश है या खुश नहीं है इत्यादि। दैट सेड, डिप्रेशन कई तरीके के होते हैं। हल्के से डिप्रेशन से लेकर इतना गहराई वाला डिप्रेशन जिसमें आदमी जीना भी ना चाहे और आत्महत्या की भी कोशिश कर ले, तो ये एक स्पेक्ट्रम है। जो सबसे कम वाला डिप्रेशन है वो एक उदासी होती है कि अगर जिंदगी में आपकी जो घटनाएं, जिंदगी की जो घटनाएं हो रही हैं वो आपके मन के अनुसार नहीं हो रही हैं या आपको परेशान करने वाली घटनाएं हो रही हैं, उसमें फिर जो उदासी और एक हताशा होती है उसको हम माइल्ड डिप्रेशन कहते हैं। और अगर ये जिंदगी की परेशानी दूर हो जाए, परिस्थितियां दूर हो जाए, तो ये डिप्रेशन भी ठीक हो जाता है। कई बार जो जब डिलीवरी हो जाती है तो औरतों में इस तरह का हल्का सा डिप्रेशन पाया जाता है जिसको हम ब्लूज कहते हैं, मतलब फीलिंग ब्लू, जो अंग्रेजी में इसका हल्की उदासी को ब्लू कहते हैं, पता नहीं किस वजह से। लेकिन कई बार जब प्रसव हो जाता है तो उसके बाद माँ पर जो नई जिम्मेदारियां पड़ती हैं, रात को नींद पूरी नहीं होती, दिन में भी वो भागती दौड़ती रहती है बेबी के पीछे, तो उसमें कई बार औरतों को ऐसी हल्की सी उदासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेजॉरिटी में ये ब्लूज जो है अपने आप से ठीक हो जाते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाएं हों, चाहे वो डिलीवरी वाली महिलाएं हों, चाहे हम लोग अपने आम जिंदगी वाले लोग हों। लेकिन अगर परिस्थितियां ठीक हों, सब कुछ सही चल रहा हो, फिर भी उदासी रहे, किसी चीज में एंजॉयमेंट ना रहे, एक तरह का निराशाजनक हमेशा फीलिंग होती रहे, यहाँ तक कि किसी चीज में चाव ना हो, रोज की कामकाज में भी चाव ना रहे, अपने आप को साफ सुथरा रखना, नहाना धोना, इन सब चीजों को भी आदमी निग्लेक्ट करने लगे, तो ये ज्यादा सीरियस डिप्रेशन माना जाता है। और इस डिप्रेशन के लिए केवल काउंसलिंग शायद पूरा नहीं होगा, इसमें दवाई की भी जरूरत पड़ती है। तो जो दवाई, अगर कोई दवाई जो होती है, सॉरी आप कहिए। सो अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है तो उसे सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? जैसे आपने बोला कि आरएमएल का अपना एक हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन हर व्यक्ति आरएमएल तो संपर्क कर नहीं सकता, तो सबसे पहले उसको किसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अपने जो जीपी है, बगल वाला जो डॉक्टर है, उसके पास जाके पहले अपना अपनी बातें उन्हें बताइए, उन्हें एक्सप्लेन करिए। आजकल जीपीस के लिए भी सरकार ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिसमें कई लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। और जीपीस को मैं ये सलाह दूंगी कि बेंजोडाइजेपिन जैसे एल्प्रैक्स या क्लोनाजेपाम, इस तरह की दवाइयां ना दें, एंटी डिप्रेसेंट्स दें। और ये एंटी डिप्रेसेंट्स कम से कम 4-6 हफ्ते तक चलनी चाहिए। अगर 3-4 हफ्ते के बाद भी फायदा ना हो और ये जो उदासी की गहराई है वो बढ़ती जाए, तो फिर साइकेट्रिस्ट यानी मनोरोग चिकित्सक को ही कांटेक्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा। जी डॉक्टर। सो अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट लेता है तो क्या एक माना जाता है कि उसकी लत लग जाती है और उसके बाद उसके व्यक्तित्व में भी थोड़ा बदलाव आता है, ये कहाँ तक सच है डॉक्टर? ये बिल्कुल सच नहीं है। लत वाली दवाइयाँ अलग होती है, जो मैंने अभी कहा बेंजोडाइजेपिन्स, वो लत वाली दवाइयाँ होती हैं, जिन्हें बल्कि लोग ऐसे ही नशे के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स को नशे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वो आदत नहीं डालती हैं,
वो एक स्पेसिफिक बीमारी की वजह से होते हैं। इसका ऐसे ही कहना है जैसे आपको एंटीबायोटिक की लत लग गई, एंटीबायोटिक की लत नहीं लग सकती, इसी तरह से एंटी डिप्रेसेंट्स की भी लत नहीं लग सकती। लेकिन डिप्रेशन, क्योंकि दिमाग में आपकी जो नर्व सेल्स हैं, जो आपके तंतु हैं, नर्व के तंतु हैं, उन्हें बदल देती है डिप्रेशन से। आपकी ब्रेन में, आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी एक तरह का फर्क नजर आने लगता है, तो उस फर्क को फिर से ठीक करने में समय लगता है। इसीलिए एंटी डिप्रेशंस को कम से कम 3 से 6 महीने तक लेना पड़ता है। तो अगर आपने एंटी डिप्रेशन शुरू किया हो तो डॉक्टर ही सलाह की के बिना उसे बंद ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके जो डॉक्टर हैं आपको नाहक लंबे समय के लिए दवाई दे रहे हैं तो आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के एंटी डिप्रेशन बंद करना सही नहीं होगा, उससे डिप्रेशन फिर से वापस हो सकता है। और अगर कोई चाहे कि उसको किसी दवाई पे जाना ही नहीं, और तो क्या उसमें मेडिटेशन और खान पीन के बदलाव से भी कुछ फायदा हो सकता है? हल्का सा अगर डिप्रेशन हो तो हम खुद ये मानते हैं कि हल्का डिप्रेशन काउंसलिंग या रेगुलर योगासन मेडिटेशन से काफी हद तक कम हो सकता है। दूर कितना होगा या नहीं दूर होगा, इस चीज के लिए हमें एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा, जो आज तक हुआ नहीं है। क्योंकि आज तक जो डिप्रेशन का इलाज है उसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, जो कि मरीज को मिलना ही चाहिए, वो है एंटी डिप्रेशन। तो इसलिए अगर हम बिना एंटी डिप्रेशेंट्स के, जानबूझ के लोगों को डिप्रेशन होते हुए भी इलाज से वंचित रखें तो वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर हल्का सा डिप्रेशन हो, क्लियर कट वजह हो उसकी, और जब वो वजह कम होने लगे तो डिप्रेशन भी कम हो जाना शुरू हो जाता है, ऐसे हालत में काउंसलिंग से या योगासन या अपने आसपास में लोगों से बातचीत करके अपने आप को थोड़ा बिजी रख के डिप्रेशन कम किया जा सकता है। कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन अगर फिर भी अच्छा ना लगे, फिर भी अगर फायदा ना हो तो डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपने कहा ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, और इसमें कम लेवल से शुरू होके काफी ऊपर तक भी जाता है। डिप्रेशन के जो तरीके हैं अलग अलग हैं, कई तरह के हैं, तो इसमें हर के हिसाब से क्या डॉक्टर्स भी बदलते हैं, एक्सपर्ट्स भी बदलते हैं? या जैसे सपोज आपने नियरबाय साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया तो दैट इज सफिशिएंट एनफ? नहीं, साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना सफिशिएंट इनफ है, लेकिन आजकल साइकियाट्रिस्ट अकेले में काम नहीं करते, हम टीम के साथ काम करते हैं। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य केवल एक मापदंड नहीं है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य होता है कि अगर बुखार हो और एंटीबायोटिक दिया ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता। मानसिक स्वास्थ्य के कई पहलू होते हैं, जो मैंने अभी पहले भी कहा था कि समाज में अपने आप को एक उलझाना या अपने आप को समाज का एक हिस्सा मानना, टू बी द एबिलिटी टू मैनेज चेंज, द एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, ये सारी जो चीजें हैं उसके लिए हम लोग एक टीम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स और साइकियाट्रिक नर्सेस, ये हमारी पूरी टीम होती है। और अलग अलग जो डिप्रेशन के पहलू होते हैं उनका अलग अलग तरीके से ये टैकल करते हैं। जैसे अगर कोई डिप्रेस्ड हो पर उसमें उनके सोच विचार बड़े निगेटिव होने लगे, तो हम उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, जो उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करके होता है, उससे काउंसलिंग करते हैं दवाई के साथ साथ। अगर सोशल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हो, जैसे कि बहु बेटी या बहु सास बहु की तकलीफें, या शरीर परिवार में मन मुटाव, कई बार डिप्रेशन की वजह से ही परिवार टूटने लगते हैं, तो ऐसी हालत में हम साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स के पास पहुंचते हैं। दवाई के साथ साथ साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स का भी उपयोग करते हैं। और अगर लाइफस्टाइल या जैसा आपने कहा कि न्यूट्रिशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स, अगर समस्या लगती हो, तो हम साइकियाट्रिक नर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ हद तक साइकियाट्रिक नर्सेस भी काउंसलिंग करती हैं। तो ये टीम के जरिए हर तरीके से जो मरीज का जो है इलाज संभव है और होता भी है। तो डॉक्टर, आज का ये दिन ऐसा है कि हमें
ये बात करना बेहद जरूरी था कि मेंटल हेल्थ पर भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना कि आप शारीरिक हेल्थ पर दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो जरूर दीजिए। लेकिन जाते जाते डॉक्टर, मैं चाहूंगी कि आप कोविड के दौरान ये जो एक ऐसा फेज है फाइनेंशियल क्रंच से लेके नौकरियों का जाना और हर तरह की समस्याओं से लोग घिरे हैं, इसमें क्या करें? एक लास्ट क्वेश्चन और एक सजेशन फ्रॉम यू ताकि लोग। देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारे हर एक के जीवन में कोई एक ऐसा पहलू है जिस पर हम खुश हो सकते हैं, जिसको हम गर्व से देख सकते हैं। तो मेरी सलाह आपसे यही होगी कि इन मुश्किल के समय में एक तो आप सोचिए कि हमारी जिंदगी में, आपकी अपनी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीज है, ऐसी कौन सी अच्छी चीज है जिसे हम याद करके खुश हो सकते हैं। उस चीज को अपने दिल के करीब रखिए, अपने हृदय के करीब रखिए। और दूसरी बात, एक अपने मन में, जहन में बिल्कुल पक्का रखिए कि ये भी समय बीत जाएगा। हर समय एक जैसा नहीं होता, ये भी समय बीत जाएगा। हम अपनी जिंदगी फिर से नॉर्मल तरीके से, हमारे रेगुलर तरीके से चला सकेंगे। उस समय की पूरी आशा के साथ प्रतीक्षा कीजिए। जी डॉक्टर, निराशा को अपने आप घेरने मत दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने वक्त निकाला। आज आपका दिन बहुत व्यस्त होगा, लेकिन आपने वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे और आपकी मुलाकात कराती रहूंगी अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से, ताकि आप अपने आप को रख सकें हेल्दी, फिट और इंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को। तो अभी आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।